Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. मॉनसून सत्र हाल ही में खत्म हुआ, उसके पश्चात आप सबके सामने हम सब लोग आए हैं। जहां देश की जनता इंतजार करती है कि उनसे जुड़े हुए विषयों को सदन में उठाया जाए, वहीं पर विपक्ष ने सड़क से संसद तक सिर्फ अराजकता, अराजकता और अराजकता, ये विपक्ष का एकमात्र एजेंडा रहा। न जनता का हित, न टैक्स पेयर के पैसे की फिक्र और न ही संवैधानिक मूल्यों की गरिमा की फिक्र थी इनको। और जो घटा वो बहुत शर्मसार था, निंदनीय था। और ये घड़ियालू आंसू बहाने की बजाय इनको तो देश से माफी मांगनी चाहिए। इसको विस्तार में चर्चा करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री आदरणीय प्रहलाद जोशी जी आपके पहले बात रखेंगे, और माननीय पीयूष जी अपनी बात रखेंगे, हमारे नेता सदन राज्यसभा। लेकिन जिस तरह का काम करने का तरीका या काम में रुकावट बनने का काम विपक्ष ने किया है, उससे उनको देश से माफी मांगनी ही चाहिए। आई एम ट्राइंग टू काउंट द क्रोनोलॉजी ऑफ द इवेंट्स। इन दैट फर्स्ट दे डिड नॉट अलो इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिस्टर्स, देन सुओ मोटो स्टेटमेंट हमने करा दिया, एंड क्लैरिफिकेशन प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स अलोड द क्लैरिफिकेशन, दे डिड नॉट सीक एनी क्लैरिफिकेशन। बाद में आया राज्यसभा में, हमने चर्चा शुरू करने का कोशिश किया, तो 4 तारीख को, एंड इट इज ए यूनानिमस रेजोल्यूशन ऑफ द बोथ द हाउसेस during 50th year of 50th year and 60th year that there should not be disruption, all those things it's okay, but in spite of all those things they did not allow even the very important bills to be discussed. Every day we used to request them, these are the bills today, and now they are telling that bills were passed in DIMS.